सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद इंजीनियर्स। सो फाइनली गाइस, आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज कर दिया गया है। आई होप अभी तक आप लोगों को मेरिट लिस्ट मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, मैंने वहां पर लिंक पिन कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं आपका जो रैंक है वो जेसीसीबी के अकॉर्डिंग कितना बना है। ऑलराइट, तो बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे स्टूडेंट्स का कि भैया मेरा जो सीएमएल रैंक है कुछ इस प्रकार से है, तो क्या आप बता दीजिएगा थोड़ा सा कि मेरा जो कॉलेज है और ब्रांच है वो कौन सा अलॉट हो सकता है मेरे रैंक के अकॉर्डिंग। तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो थे वो बीआईटी सिंदरी को टारगेट कर रहे थे, तो मैं एक बीआईटी सिंदरी का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक डिटेल वीडियो तैयार किया जाए। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि कैटेगरी वाइज, ऑलराइट, कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, बीसी वन, बीसी टू, एसटी, एससी, किसी भी कैटेगरी से है, तो उस कैटेगरी वाइज में आपका जो सीएमएल रैंक जो मिला है, सीएमएल रैंक, ऑलराइट, सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग बात करूंगा कि जो क्लोजिंग रैंक है किसी भी ब्रांच का बीआईटी सिंदरी के अंदर, चाहे सीएससी का है, जैसे मैं बात करने वाला हूँ कि सीएससी का जनरल के लिए कितना क्लोजिंग रैंक गया है हर एक ब्रांच का, वो मैं बात करने वाला हूँ। फिर आपके उसके बाद मैं ईडब्ल्यूएस का बात करूंगा, फिर ईडब्ल्यूएस के बाद मैं बीसी वन का बात करूंगा, बीसी टू का बात करूंगा, फिर एससी, फिर एसटी। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं कि जनरल के लिए अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीआईटी सिंदरी में, तो आपको कितना रैंक आपका होना चाहिए सीएमएल रैंक। ऑलराइट, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जो आपका सीएमएल रैंक है अंडर 46 होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं बीआईटी सिंदरी में। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो वो 79 है, अगर आपका 79 सीएमएल रैंक है तो आप सीएससी ब्रांच ले सकते हैं। ऑलराइट, बीसी टू के लिए 57, बीसी वन के लिए 102 एंड एससी के लिए 766 और एसटी के लिए 1244। इट मीन्स अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो देखिए आपको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, 766 में भी आपको सीएससी मिल सकता है बीआईटी सिंदरी में, और अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 1244 में भी मिल सकता है। ऑलराइट, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, ऑलराइट, अच्छे से चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग में मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑलराइट, तो हमारे चैनल से बने रहें। अब बात करें आईटी ब्रांच के लिए, अगर आप आईटी ब्रांच में एडमिशन पाना चाहते हैं तो आईटी ब्रांच में जनरल के लिए आपका जो सीएमएल रैंक होना चाहिए वो 88 के अंदर होना चाहिए। अगर आपका 88 के अंदर सीएमएल रैंक है तो आप आईटी ब्रांच पा सकते हैं बीआईटी सिंदरी में। ऑलराइट, देन आप ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो आईटी के लिए बीआईटी सिंदरी में 134 सीएमएल रैंक के अंदर होना चाहिए, बीसी टू के लिए 151 के अंदर होना चाहिए, बीसी वन के लिए 152 एंड एससी के लिए 1136 एंड एसटी के लिए 1410 आपका सीएमएल रैंक होना चाहिए उसके अंदर। ऑलराइट, देन आफ्टर इसी की बात की जाए बीआईटी सिंदरी में, तो इसी के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सीएमएल रैंक 156 के अंदर होना चाहिए। अगर आपका 156 के अंदर सीएमएल रैंक है तो आप इसी ब्रांच में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में इसी में एडमिशन लेने के लिए आपको 212 सीएमएल रैंक चाहिए, बीसी टू के लिए 173 एंड बीसी वन के लिए 191 एंड एससी के लिए 1232, एससी के लिए 1636 सीएमएल रैंक चाहिए मैक्सिमम। ऑलराइट, देन आफ्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीआईटी सिंदरी के अंदर, तो एज अ जनरल कैंडिडेट आपका जो रैंक होना चाहिए सीएमएल वो 262 होना चाहिए मिनिमम। ऑलराइट, देन आफ्टर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस में 366 होना चाहिए, बीसी टू में 302 होना चाहिए, बीसी वन के लिए 294 होना चाहिए एंड एससी के लिए 1324 होना चाहिए एंड एसटी के लिए 1735 रैंक के अंदर होना चाहिए। ऑलराइट, देन आफ्टर बात की जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बीआईटी सिंदरी के अंदर, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपका जो सीएमएल रैंक होना चाहिए 358 होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 473 होना चाहिए और बीसी टू के लिए 465 होना चाहिए, बीसी वन के लिए 416 होना चाहिए और एससी के लिए 1377 एंड देन आफ्टर एसटी के लिए 1738 होना चाहिए। ऑलराइट, देन आफ्टर मेटलर्जी की बात की जाए, अगर मेटलर्जिकल ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीआईटी सिंदरी के अंदर, तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट 470 के अंदर आपका सीएमएल रैंक होना चाहिए। अगर आपका 470 के अंदर सीएमएल रैंक है तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 543
एंड देन आफ्टर BC2 के लिए 556, BC1 के लिए 503 एंड SC के लिए 1435, ST के लिए 1839 CML रैंक के अंदर होना चाहिए. ऑलराइट, देन आफ्टर सिविल ब्रांच की बात की जाए तो सिविल ब्रांच के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो CML रैंक है अंडर 536 होना चाहिए और EWS के लिए अंडर 722 होना चाहिए, BC2 के लिए 672 होना चाहिए, BC1 के लिए 660 होना चाहिए एंड SC के लिए 1326 होना चाहिए एंड ST के लिए 1660 के अंदर होना चाहिए. ऑलराइट, देन आफ्टर माइनिंग ब्रांच की बात की जाए तो एज अ जनरल कैंडिडेट आपका जो CML रैंक होना चाहिए 602 होना चाहिए एंड EWS के लिए 748 होना चाहिए, BC2 के लिए 633 होना चाहिए, PC1 के लिए 668 होना चाहिए, SC के लिए 1464 होना चाहिए एंड ST के लिए अंडर 1850 तक सीट्स मिलती है. ऑलराइट, देन आफ्टर बात की जाए केमिकल ब्रांच की तो केमिकल ब्रांच के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका CML रैंक 579 के अंदर होना चाहिए, EWS के लिए 781 के अंदर होना चाहिए, BC2 के लिए 664 के अंदर होना चाहिए, BC1 के लिए 667 के अंदर होना चाहिए, SC के लिए 1519 के अंदर होना चाहिए और ST के लिए 1937 के अंदर होना चाहिए. ऑलराइट, देन आफ्टर लास्ट ब्रांच जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है. अगर आप BIT सिंदरी में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए आना चाहते हैं तो आपका जनरल कैटेगरी के लिए 673 के अंडर होना चाहिए आपका CML रैंक, EWS के लिए 817 होना चाहिए, BC2 के लिए 710 होना चाहिए, BC1 के लिए 730 होना चाहिए एंड SC के लिए 1583 होना चाहिए, ST के लिए 1980. इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली अगर आपका 2000 भी CML रैंक बन रहा, CML रैंक की बात की जा रही है यहाँ पर, आपका जो कैटेगरी रैंक है उसको बाहर में रखा है, मैंने उसको कंसीडर नहीं किया, मैंने सिर्फ CML रैंक के अकॉर्डिंग मैंने पिछले डेटा के अनुसार मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है. तो CML रैंक अगर एज अ ST कैंडिडेट अगर आपका 2000 के अप्रोक्स है तब भी आप BIT सिंदरी में लोअर ब्रांचेस में एडमिशन पा सकते हैं और SC के लिए अगर आप एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपको हार्डली लगभग 1500 CML रैंक तक आप एडमिशन ले सकते हैं, BC1 के लिए आपको 730 तक आप एडमिशन ले सकते हैं, आप इसको 800 भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है. और एक BC2 की बात की जाए तो BC2 के लिए आपका जो मैक्सिमम जाना चाहिए CML रैंक अगर BIT सिंदरी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं एटलीस्ट तो आपका 710 के अराउंड होना चाहिए. और एक EWS के लिए 817 के अराउंड होना चाहिए आपका, इसके अंडर होना चाहिए आपका CML रैंक. और एक एंड जनरल के लिए 673 के अंडर आपका रैंक है तो आप एडमिशन इसमें एटलीस्ट ले सकते हैं. ऑलराइट, तो यही था आज के इस वीडियो का मोटिव कि आपको कैटेगरी वाइज सारे CML रैंक के अकॉर्डिंग सारे ब्रांचेस का क्लोजिंग रैंक बता दूं. ऑलराइट, तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा एंड सारी काउंसलिंग रिलेटेड जानकारियों के लिए हमारे चैनल से बने रहें एंड मैं इसका PDF भी कर दूंगा. ऑल्सो 2021 का जो सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आया था उसका भी मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो. उसमें सारे कॉलेजेस का CML रैंक के अकॉर्डिंग ब्रांचेस कौन कौन से अलॉट हुए हैं उसकी जानकारी दी गई है. एंड ऑल्सो मैं इसके बाद बात करने वाला हूँ चॉइस फिलिंग आप कैसे भर सकते हैं BIT सिंदरी में, मैंने अपने टाइम पे कैसे चॉइस फिल किया था BIT सिंदरी के लिए. तो आपको हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आप तक सारी जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश की जाएगी और एक टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और सारी आपको कमेंट आप कर सकते हैं अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स पे एंड ऑल्सो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होकर वहां पर भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. मैं सारे डाउट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा विद इन 24 आवर सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो. थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट.